लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब के हल्का के फतेहगढ़ साहिब में राजनीतिक पार्टियों की नजरें अब उद्योग जगत पर टिकी हैं। सभी उम्मीदवार उद्योगपतियों को भरमाने में लगे हैं। पार्टियों के उम्मीदवार किसी न किसी बहाने उद्योगपतियों से मीटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अमर सिंह ने मंडी गोविंदगढ़ में एक पैलेस में उद्योगपतियों के साथ चुनावी सभा आयोजित की, जिसमें जिंदल ग्रुप की एमडी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे। मंडी गोविंदगढ़ जो है हमेशा ही जो है पूरे देश के अंदर उन्होंने स्टील उद्योग के अंदर अपना बहुत नाम कमाया है और हमेशा जो है लोगों को प्रेरित किया है। और हम भी जो है बहुत सी चीज़ें, हमारा भी जो है बहुत पुराना रिश्ता रहा है मंडी गोविंदगढ़ से, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही उद्यमी हैं, बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं, नई नई चीज़ें डेवलप करना, नई नई तकनीक से स्टील बनाना। तो इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे बिजली की कीमत ज़्यादा है या जो भी यहाँ पर स्क्रैप जो जब तक आता है वो महंगा पड़ता है, तो उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि सरकार को यहाँ पर जो कैसे इनको बिजली सस्ती मिले उसके लिए काम करना चाहिए।